ये हम फुल टी शर्ट प्रिंट इस पर कर सकते हैं, यानी देखिए टॉप टू बॉटम, यानी आपका जहाँ बेल्ट तक आ सकता है यहाँ तक पूरा हम हमारे इस पैलेट पे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो आज हम अपने वर्कशॉप में हैवी ड्यूटी मशीन इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जो मशीन पहले यहाँ पे थी वो लाइट ड्यूटी मशीन्स थी, बट आज हम यहाँ पे हैवी ड्यूटी मशीन्स इंस्टॉल करेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे इसे इंस्टॉल किया जाता है ताकि आपको वो आगे चल के काम भी आए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है इसका और इसके बारे में भी हम बहुत। दोस्तों ये हमारी हैवी ड्यूटी मशीन्स है, आप देख सकते हैं ये जैसा पैकिंग करके आप सभी को मिलता है ठीक वैसे ही पैकिंग करके ये दिया गया है। यहाँ पे देखिए पैलेट आएगा, पैलेट ये पूरा रैपिंग अभी हम ओपन करेंगे, ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखेंगे दोस्तों अभी यहाँ पे एक नट बोल्ट लगा हुआ नहीं है, अभी हम इसे नट बोल्ट यहाँ पे लगाएंगे तो ये पूरी प्रॉपर फिटिंग होगी। ये अभी एक हमारा यहाँ पे ये रेडी हो गया है, बाद में इसे हम जो भी फाइनल है उसे टाइट कर सकते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं। यहाँ पे पहले जो चार इसके नट बोल्ट हैं वो हमने ड्रिल मार के फिटिंग कर ली है। जो टेबल का साइज़ है ये 4x2 का टेबल साइज़ है। आगे का जो ये जगह बच जाती है वहाँ पे आप अपने मटेरियल्स रख सकते हैं। दोस्तों ये हमारी हैवी ड्यूटी मशीन है, जैसा कि आपको पता है इसके पहले हमारी लाइट ड्यूटी मशीन्स थी, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली आएगा। हैवी ड्यूटी में आप देख सकते हैं, इसमें आप देखिए ये सारी चीज़ें इसमें अलग मिलती हैं। ये करीब इसका वज़न भी आप अगर करेंगे उससे तो ये करीब 20-22 किलो की मशीन है। थोड़ा सा ये कॉस्टली भी है, मैं रेट आपको अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या होता है वीडियो सालों साल चलते हैं तो उस समय रेट आगे पीछे हो जाता है तो फिर पार्टी कंप्लेन करती हैं, आप ही लोग कंप्लेन करते हो कि रेट उसमें इतना बताया है। तो जो रेट होगा वो आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं, हमारा दिए गए नंबर है उस पर आप पता कर सकते हैं ये रेट अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। और दोस्तों मार्केट में जैसे हमारे दोस्त तो बातें करते हैं, मार्केट में बहुत सस्ती मशीनें भी आ गई हैं दोस्तों। सस्ती मशीनें का इन द सेंस अभी आप हमको हैवी ड्यूटी मशीन्स निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको समझना ये चाहिए पहले, हैवी ड्यूटी का मशीन क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप मशीन जो मशीन इससे आप इनकम करेंगे ना, इससे आप पैसा कमाएंगे इससे, तो आप ऐसी मशीन क्यों लेते हैं कि बाद में 3 महीना 6 महीने बाद आपको कंप्लेन आने लग जाए और बाद में फिर आप छोड़ छाड़ के वो दूसरा मशीन के लिए जाएं। तो हमें ऐसी मशीनें से दूर रहना है कि जो पैसे में तो कम दिखती हैं हमें पर हमको वो प्रोडक्शन भी नहीं देंगी, 3 से 6 महीने बाद वो ख़राब हो जाती हैं। मार्केट में हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इतनी महंगी मशीनें क्यों देते हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मशीन हमारी हैवी ड्यूटी है, आप इसे आराम से 5-6 साल 10 साल चलाइए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पाउडर कोटेड मशीन है ये सर,
पाउडर कोटेड मशीनें हैं, वो दूसरी मशीनें जो लाया जो सब देते हैं सस्ती मशीनें, वो हल्की मशीनें होती हैं। हल्की मशीनें मतलब उनका जो ये पार्ट होगा, जैसे ये चैनल है तो जहाँ हमने 3 mm यूज़ किया है वो 2 mm यूज़ करते हैं। ये आप बकल देख लीजिएगा, बकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये प्लेट, जो प्लेट होती है ये हमारी जो 8 mm है उनका 4 mm 5 mm ऐसे होते हैं। तो आप समझिए ना कि वो कितना दिन चलेगी वो मशीन, जहाँ पे आपको 1000-2000 टी शर्ट प्रिंट करने हैं एक लॉट में, तो मशीन कितना काम करेगी। अगर आप पैसे ही बचाना चाहते हैं तो बिज़नेस में करिए ही मत, बिज़नेस सबसे बेस्ट यही है। अगर आप लोग को लगता है कि सस्ती मशीनें मिल जाएंगी और हम अच्छा बिज़नेस कर लेंगे, तो ऐसा चीज़ करिए ही मत दोस्त, कि क्या होगा आप लोग फिर वो आपको वो नहीं मिलेगा, बराबर प्रिंटिंग नहीं आएगी। क्योंकि प्रिंटिंग में दो ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक आपका कलर और एक सेटिंग। कलर आपने गलत इस्तेमाल किया तो आपको प्रिंटिंग की क्वालिटी वो हिसाब से नहीं मिलेगी, तो आपको चीज़ वो चीज़ ध्यान में देना है। तो दोस्तों देखिए, हमने फाइनल फिटिंग यहाँ पे कर लिया है, आपको खाली हम आपके जो नट बोल्ट हैं उसे देखना है कि अच्छे से वो नॉर्मल फिटिंग हुए कि नहीं। ध्यान रखिएगा आपके ये जो नट, दोनों नट बोल्ट हैं, इसे एकदम फुल्ली टाइट नहीं करना है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये जो क्लैंप है ये दोनों अंदर क्लिंप हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपका ये आर्म्स नीचे नहीं जाएगा। हमको जस्ट एक नॉर्मल एक थ्रेड हमको घुमाना है अपने जो स्पैनर से। ये देखिए ये इतना इजीली मूव हो रहा है, ये ऐसे आपको रखना है। बाकी ये स्प्रिंग आपको जो जितना आपको टेंशन चाहिए स्प्रिंग में, वो आप टेंशन ले सकते हैं। दोस्तों हमारा हमारे एक फ्रेंड हैं, अभी तो फ्रेंड ही हो गए हैं, वो तो झारखंड से थे। तो जो अभी हम बात कर रहे थे सस्ती और महंगी वाली मशीन का, उसके बारे में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। झारखंड से एक बार फ़ोन आता है, पिछले साल की बात है, तो वो उनको इससे बड़ी वाली जो हमारी मशीन होती है 4 स्टेशन 4 कलर वाली मशीन होती है, वो उन्होंने देखी थी, तो वो परचेस करने आए। ऑलरेडी वो बिज़नेस में थे वो, और उन्होंने उनके बगल के स्टेट कलकत्ता से या हावड़ा से कहीं से उन्होंने एक मशीन ली थी। मशीन उन्होंने ली, उसका बेस यही था कि मशीन उनको सस्ते में लगी, इसके लिए वो ले लिए। बट 2 महीने के अंदर अंदर 4 स्टेशन 4 कलर मशीन उनकी जवाब दे गई। बाद में उन्हें कॉन्टेक्ट नंबर अपना मिला कहीं से, क्या ये चैनल से ही मिला होगा, तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किए, यहाँ पे आए, मशीन देखे, मशीन लेके गए, और आज मुझे लगता है कि आज 10 महीने हो गए हैं, आज तक उनको कोई भी प्रॉब्लम्स आई नहीं है मशीन के रिलेटेड। तो यही बात होती है, मैं ज़्यादा किसी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट यही होती है कि अगर आप लोग सस्ते के चक्कर में जाते हो तो फिर क्या होगा, फिर वो जो इनकम आप सोचते हो कि हमें वहाँ से इनकम जनरेट करना है, तो वो फिनिशिंग, वो क्वालिटी उसमें नहीं मिलती है। पहली बात इतना ध्यान में रखिए, ये मशीन का वेट है अप्रॉक्सीमेट पकड़ लीजिए 25 किलो है। सस्ती वाली जो मशीनें आती हैं, हमारी जो लाइट ड्यूटी मशीन है उसका भी वेट कम से कम 20 किलो उसका वजन होगा, और जो सस्ती वाली जो मशीनें हैं उनका आप देख लीजिए 15 किलो से ऊपर होगा ही नहीं मशीन। क्योंकि उनके ये आर्म्स कभी भी आप देखिएगा, अगर ओरिजिनल फ़ोटो अगर आप लोग ने मंगाया उनसे बोलिएगा, सभी नेट पे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ओरिजिनल फ़ोटो मांगिए कभी भी अगर आप मशीन्स कहीं से भी परचेज़ करते हैं, ओरिजिनल फ़ोटो मांगिए। तो ओरिजिनल फ़ोटो आप मांगेंगे ना तो ये आर्म्स देखिएगा, ये जो आर्म्स होते हैं ये आर्म्स देखिए कितने बड़े होते हैं उनके, क्या क्वालिटी होती है। ये जो पैलेट अभी हम यहाँ पे लगाएंगे, पैलेट देखिएगा, पैलेट वो नॉर्मल जो प्लाईवुड आता है उस पर सनमाइका लगा के दे रहे हैं या क्या चीज़ है, हमारा नॉर्मल प्लाई नहीं होता। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा करीब पिछले जब से आप वीडियो देख रहे हैं तब से देखिए, इसमें कोई भी ऐसा ऊपर से सनमाइका नहीं लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे ये मशीन फिटिंग है, ये ऊपर ये सनमाइका से गम से पेस्टिंग नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी चीज़ें हैं जो हमारी मशीन्स में आती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट क्या है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छा प्रिंटिंग चाहिए, तो फिर जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। यही मशीन हम अराउंड, अगर आप देखेंगे मेरे पहले की वीडियो, तो हम इसे 25 में सेल करते थे, बट आज यही मशीन हमने उसका रेट और भी कम किया है, लोगों के कहने पे हमने इसको स्टार्टअप मॉडल पे लेके आए। स्टार्टअप मॉडल मतलब जो हमारी 15,000 वाली मशीन है, वो हमारा स्टार्टअप मॉडल है।
वो भी अराउंड 20 केजी तक की मशीनें हैं। ये देखिए, ये हमारी, ये हम अभी लेटेस्ट ये लेके आए हैं। ये जो बक्कल आप देख रहे हैं, ये टोटल हमारा लेटेस्ट है। ये हैवी ड्यूटी में ये टोटल ही हम नया इंस्टॉलेशन जो भी हम कर रहे हैं उसमें दे रहे हैं। मशीन आप कहीं भी लेके जाइए, यही मशीन बस इंस्टॉलेशन आपका ये हो चुका है, बाकी चीज़ें आपको पैकिंग करके ही मिल जाती हैं। ये जो सी चैनल है ये ऑलरेडी आपको फिटिंग करके ही मिलता है, इसमें कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी पड़ती है। तो हम वो बात कर रहे थे दोस्तों, जो हमारे झारखंड के फ्रेंड हैं, उनका बिज़नेस का नाम है मोटू पांडा। तो अगर आप जानते होंगे या आप सर्च भी करेंगे मोटू पांडा के नाम से, अगर सर्च करिए, अगर उनका ऑनलाइन में होगा कहीं तो ज़रूर आपको दिख जाएगा। मोटू पांडा नाम से उनका फर्म है। अगर आप लोग को लगता होगा कि मैं गलत चीज़ें कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ, तो मोटू पांडा फार्म है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि सस्ता और महंगे में क्या फ़र्क होता है। महंगा खरीदिए एक बार, सस्ता खरीदिए बार बार, ये जो कहावत है वो यही चीज़ें हैं। तो बाकी तो सब अपने ऊपर है, बाकी हमारे ऊपर से जो हो सकता है हम आपको हेल्प करते हैं। आपको यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग भी दी जाती है। जितने भी हमारे जिन्होंने हमसे मशीन ली है, अभी हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, मणिपुर, मिजोरम, असम, जहाँ का भी आप देख लीजिए ऑनलाइन, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, अगर वो आ नहीं पाते हैं तो फ़ोन के ऊपर उनको सारा डिस्कशन करके उनके सारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट किए जाते हैं। अगर नहीं किए जाते हैं, अगर आप लोग के प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं। ये हमारा पैलेट है, ये पैलेट को भी हम अभी लगा लेंगे। ये नीचे का प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी हम निकाल देते हैं। देखो, पैलेट के नीचे ऐसे आपको बकल मिलते हैं। ये बकल आपको जस्ट ये है, इसके अंदर आपको इंसर्ट करना पड़ता है। जस्ट ये इंसर्ट आपने कर दिया, और उसके बाद दो बकल के जो साइड है इसको आपको सेंटर आपका देखना है, आपका सेंटर आपको देखना है। ये सेंटर पैलेट का आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, सेंटर आपका ये आना चाहिए। उसके बाद नीचे के दोनों बकेट आपको टाइट करने हैं। ये आपका मशीन आपकी रेडी, वन स्टेशन फोर कलर हैवी ड्यूटी। देखिए फिनिशिंग देखिए दोस्तों। मैं अगर मुझे आप एड मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं आपको, अगर आपका प्रोडक्शन मोर देन 500 पीसेस से ऊपर है इन नियर फ्यूचर, मैं बता रहा हूँ 6 से 8 महीने में, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका दिन का जो प्रिंटिंग का प्रोडक्शन है वो 500 से 1000 तक अगर जाएगा, तो आपको हैवी ड्यूटी में मशीन्स लेनी चाहिए। हैवी ड्यूटी वन स्टेशन हो गया, टू स्टेशन हो गया, इवन फोर स्टेशन जो हमारी मशीन है उसमें आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद।